आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में लेखपालों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लेखपाल संघ की ओर से लेखपाल पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम मूरत यादव, प्रदेश महामंत्री ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ सरोजनी नगर तहसील लेखपाल संघ अध्यक्ष आनंद प्रकाश तिवारी, सरोजनी नगर लेखपाल सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लेखपाल संघ प्रदेश अध्यक्ष राम सूरत ने लेखपालों के रुके हुए प्रमोशन और लेखपालों के रुके हुए ट्रांसफर को त्वरित करने की मांग की। आज के दौर में सबसे मुख्य समस्या प्रमोशन की और ट्रांसफर की। हमारी युवा पीढ़ी ट्रांसफर के लिए बहुत बेचैन है और उनकी वाजिब समस्याएं हैं। हमारा बुजुर्ग संवर्ग जो 40-40 साल की सेवा कर चुका है, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जबकि इन कामों में सरकार का एक पैसा भी नहीं खर्च होना है। हम सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जो इसमें कोई वित्तीय भार नहीं सरकार पे पड़ना है, और सरकार अगर इन पे ध्यान पूर्वक इनके प्रमोशन कर दे और इनके स्थानांतरण कर दे इनके वांछित जगहों पर, तो हमारे कार्य प्रणाली में सुधार आएगा, कार्य की गुणवत्ता अच्छी होगी, सरकार का काम अच्छा होगा। तो आपके माध्यम से मैं ये अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा सरकार के प्रतिनिधियों तक कि हमारे ट्रांसफर और प्रमोशन पे। मैनपुरी के बड़े राजकीय ठेकेदार और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी RCL कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक आयकर विभाग के 66 घंटे तक चली कार्यवाही के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। आपको बता दें कि 66 घंटे तक चली आयकर विभाग की कार्यवाही के बाद मनोज यादव ने बताया कि 10.5 लाख रुपए कैश, दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर से बहुत सारे हमारे लूज पेपर अपने साथ लेकर IT की टीम गई है। बता दें कि टीम में 5 IRS अधिकारी जो कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली से आए हुए थे और 15 इनकम टैक्स के ITO पीस इंस्पेक्टर भी शामिल थे और 60 से ज्यादा की संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। हमारे जो कंपनी के खाते में अकाउंट बुक्स में लगभग 23 लाख रुपए कैश बैलेंस था जो ऑफिस में होना चाहिए था, उनके द्वारा पूरे कैंपस में चेकिंग करके जब निकाला गया तो 10-12 हज़ार रुपये कम ही निकले। कोई एक्स्ट्रा कैश 1 रुपये का भी अधिक कैश नहीं निकला, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे जो अकाउंट बुक का कैश भी सीज कर दिया 10.5 लाख रुपया, और वो अपने साथ लेके गए। इसके अलावा वो हमारे पेपर से सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर की और हमारे बहुत सारे लूज पेपर ऑफिस में। वही मिर्जापुर में राष्ट्रीय स्तर पर BSNL ज्वाइंट फोरम के अधिकारी संघ के बुलावे पर BSNL कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलनरत कर्मचारियों ने न्यू प्रमोशन पॉलिसी लागू करने और पॉलिसीज वापस लेने और पे स्केल लागू करने की भी मांग की है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। ये BSNL के ज्वाइंट फोरम नई दिल्ली के तत्वाधान से जो है ये कॉल दी गई है कि BSNL में आपको पता है कि 2 साल बीत गए हैं, VRS आया था जो है, जिसमें करीब आधे से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी जो है चले गए हैं, और वर्तमान जो उच्च प्रबंधन है वो जो है एक तरह से डेपुटेशन पे है BSNL में, और वो BSNL के अधिकारियों के जो हक हैं, चाहे स्टैंडर्ड पे स्केल हो, चाहे उनकी प्रमोशन पॉलिसी हो, उसको कहीं ना कहीं वो दबाने का काम कर रहा है। CMD साहब जो है हमारे, वो नई जो है रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसमें प्रमोशन को जो है 12 साल में कैप कर दिया गया कि हर 12 साल पे प्रमोशन मिलेगा। मतलब BSNL का जो प्रबंधन, जो उधार का प्रबंधन है, जो जिनका BSNL के कंपनियों में कोई स्टेक नहीं है, उनकी नौकरी सुरक्षित है, उनका वो है, वो BSNL को चला रहा है, तो उन वो न्याय हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वाकई BSNL के अधिकारी हैं जो ग्रास रूट लेवल पे उपभोक्ताओं को सेवा देते हैं और पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक और इधर गुजरात से लेके जो है नागालैंड तक हम सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे
वहीं संबल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां नखासा थाना क्षेत्र में जोया रोड स्थित भोलेश्वर में मदरसे में पढ़ाने जा रही शिक्षिका को खनन माफियाओं ने अपना निशाना बना लिया। बता दें कि शिक्षिका स्कूटी से भाई के साथ मदरसे में पढ़ाने जा रही थी, तभी तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार शिक्षिका को टक्कर मार दी। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में शिक्षिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल आरोपी चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को कब्जे में लिया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। कहाँ रहते हैं? एक्सीडेंट में आपकी भतीजी मौत हुई, कैसे हुई एक्सीडेंट? सुबह 7:45 घर से निकली थी, स्कूल मनाठेर के पास में स्कूल है, वहाँ पढ़ाती थी। अच्छा, तो यह जा रही थी, पीछे से डंपर आया और उन्होंने खींच के करीब 20-30 मीटर इन्हें बम्पर में खचेड़ गया, अगले डंप उसमें बम्पर में खचेड़ के ले गया जलालपुर की तरफ मोड़ ले लिया था। मिट्टी का डंपर था? मिट्टी का डंपर था। अच्छा, तो बच्ची मौत हो गई? बच्चे की मौके पर ही वारदात मौत हो गई। साथ में कौन था उसके? बेटा था। तो वो ठीक है बच्चा? वो ठीक है। वो अगली खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव ने जयंती के उपलक्ष में कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा माने जाते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी आंदोलन किए थे वो सब किसानों के हितों की रक्षा के लिए थे, इसलिए लोग उन्हें किसानों का मसीहा कहते हैं। पूर्व विधायक प्रदीप यादव ने इस मौके पर कहा कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आज अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो शायद यह देखकर उनकी आंखें भी नम हो जाती। देखिए, आज उस महान नेता की जयंती है जिसने हमेशा किसान की बात की है, खेत और खरियान की बात की, उस महान नेता की जयंती मनाई हम लोगों ने। और इस समय देश में जो किसान की बदहाली है, किसान के साथ जो सरकार अत्याचार कर रही है, ऐसे में हम अपने उस किसान नेता को याद कर रहे हैं कि अगर वो किसान नेता मेरे बीच होता तो किसानों की बात माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुलायम सिंह जी ने, किसानों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज किसानों के प्रति इतने चिंतित हैं, तो उनके दिशा निर्देशन पर आज हम लोगों वहीं अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के मथुरा रोड पर इगलास में हो रही चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर सपा आरएलडी की संयुक्त रैली में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। संयुक्त रैली में सम्मानित होने जा रहे कार्यकर्ताओं से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर टेम्पू से टकरा गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घायलों ने बताया कि वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की रैली में सम्मिलित होने जा रहे थे। कहां जा रहे थे? रैली में। किसकी रैली में जा रहे थे? तो किससे एक्सीडेंट हुआ है आपका? अच्छा, कार में टेम्पो घुस गया पीछे से। वही देवरिया के सलीमपुर जन विश्वास यात्रा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। बता दें कि 24 दिसंबर को सेंट पॉल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचकर सभा को संबोधित करने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य। कार्यक्रम को देखते हुए फिलहाल जिला प्रशासन ने तैयारियों को पुख्ता किया है। वहीं बांदा में गरीबों की मदद के लिए चित्रकूट सेवा संस्थान आगे आया है, जहां गरीब असहाय और बेरोजगारों को कैंप लगाकर आर्थिक मदद दी गई। शहर के एक मैरिज हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बता दें कि चित्रकूट सेवा संस्थान कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों की मदद कर रहा है। बेरोजगार पुरुषों को आर्थिक व महिलाओं को सिलाई मशीन बांट कर रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल चित्रकूट सेवा संस्थान लंबे समय से कई जनपदों में गरीब असहाय लोगों की मदद करता आ रहा है। संस्था निर्धन व अनाथ बच्चों के लिए भी काम कर रही है। मोहम्मद अतीक खान। मोहम्मद जी, बताइए किस तरह की संस्था है और क्या? हमारी जो संस्था है वो समाज के उन गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए काम करती है, जिनका इस समय कोरोना काल से पूरी तरह से रोजगार ठप है, उनके रोजगार के लिए आर्थिक मदद करती है और बच्चों के पढ़ाई के लिए मदद करती है। कहाँ की संस्था है ये? चित्रकूट सेवा संस्थान चित्रकूट जिले की है। किस तरह का कार्यक्रम ये रखा गया था यहाँ पे? कार्यक्रम ये रखा गया था कि यहाँ हमारी संस्था में जो लोग सदस्य,
वही कांग्रेस ने अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के दशरथपुर गांव में प्रतिज्ञा महासम्मेलन का आयोजन किया, जहां प्रतिज्ञा महासम्मेलन में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या के में जमीन के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोग, अधिकारी और नेता अयोध्या में जमीन को लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में राम नाम पर लूट मची हुई है। कौड़ियों के दाम पर जमीन खरीदकर 13 गुना अधिक दामों में बेची जा रही है। चाहे वो नेता हो या अधिकारी या फिर ट्रस्ट के लोग, सभी जमीन में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कि लोगों के बारे में मीडिया से जो जानकारी मिल रही है उसमें जिसमें अधिकारी भी हैं, ट्रस्ट के लोग भी हैं, राजनेता हैं, सारे मिलके जमीन के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि 1300% की वृद्धि करके जमीन गरीबों से खरीद रहे हैं, किसानों से खरीद रहे हैं और 1300 गुना ज्यादा में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच रहे हैं। तो बड़ा घोटाला सामने आया है। तो ये राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, इस प्रकार के रणनीति में चल रहे हैं। राम के नाम से लूटने में कभी वो वोट मांगते हैं, कभी वो नोट। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में हुई संयुक्त किसान रैली में आरएलजी के जयंत चौधरी मंच पर पहुंचे। वहीं मंच पर भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान पुलिस को मौके पर काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंच पर पहुंचने से पहले एक नेता इस पूरे हादसे में गिर गए और अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भीड़ को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल इस वक्त बज चुका है। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है और आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो भी शुरू हो चुके हैं और महज कुछ दिनों में प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसी कड़ी में आज प्राइम टीवी ने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा से खास बातचीत की और जाना कि किस एजेंडे को लेकर वो जनता के बीच आ रहे हैं और जनता का क्या कुछ रुझान है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे और मेरे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी आपको। हमारी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों में है। लगभग 305 सीटों में विधानसभा सेक्टर और बूथ का पूरा संगठन तैयार है। अच्छी तैयारी है हमारी। बाकी लगभग 98-100 सीटों पर तैयारी हमारी जारी है, लेकिन 305 सीटों में हमारा संगठन पूरी तरह तैयार है और हमारी तैयारी भी है कि वहां हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से अब तक कितने सीटों पर आवेदन हो चुके हैं, अब कितने पे प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं? देखिए, हमारे पास अभी तक, हम लोगों ने अभी 10 दिन पहले कहा है कि आवेदन आप हमारे यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो जिनको जिन साथियों को लड़ना है, तो अभी तक लगभग हमारे यहाँ 92-93 सीटों पर फार्म आए हैं और बाकी जो जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर जो अभी लोगों के पास हैं, जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं, जो इंचार्ज हैं, पदाधिकारी हैं, उनके पास लगभग 60-70 विधानसभाओं के अप्लीकेशन उनके पास आ गई हैं। इस तरह से अभी तक हमारे पास लगभग 145-146 विधानसभाओं के एप्लीकेशन आई हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या आपका मतलब काम रहेगा जिसको आप विशेष रूप से करेंगे? देखिए, अगर जन अधिकार पार्टी को लोग वोट करते हैं, समर्थन देते हैं, बहुमत देते हैं, तो जन अधिकार पार्टी का एक ही नारा है जो आप बोर्ड में देख सकते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, किसान को खाद बीज सस्ती हो, उसको बिजली फ्री हो, व्यापारी, छोटे व्यापारी, किसान के कर्जे माफ हों, शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव किया है, ऐसे बदलाव हैं जो गरीब और कमजोर के हित में नहीं है, उनको सरकार ठीक करे। बिजली का जो बिल सरकार ने बढ़ाया है उसको ठीक करे। और जो जाति जनगणना है, अगर हमें विकास पर जाना है, हिस्सा देना है, तो जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। जो पिछड़ों की जाति जनगणना से सरकार भाग रही है, जो प्राथमिक ज़रूरत है लोगों की, बाकी तो आदमी मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन उसके आगे बढ़ने में जो सरकार का रोल होना चाहिए, जो उसे मदद करना चाहिए,
उसे ज़रूर मदद करना चाहिए। जैसे जो लोगों को हम रोज़गार नहीं दे पाते हैं, बच्चों को रोज़गार मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। लेकिन अगर रोज़गार हम नौकरियां नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम उसको जो अपना व्यक्तिगत वो बिजनेस करे, उसमें सरकार लोन दे, कम पैसे में दे, उसको आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छा, आप अभी कई विधानसभाओं में गए, कई जिलों गए, तो वहाँ पे आपको जनता का रुख क्या लग रहा है जन अधिकार पार्टी के प्रति? देखिए, जनता का रुझान, जो बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनका बड़े पैमाने पर झुकाव जन अधिकार पार्टी का है। क्योंकि हम भागीदारी की बात करते हैं, हमारी नज़र में देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ वीकर सेक्शन के, पिछड़े या दलित के, अकलियत के खिलाफ है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और कुछ देती नहीं है, न रोज़गार देती है। जब सारी चीज़ें वो बेच ही दे रही है तो रोज़गार देगी कहाँ से? समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर वोट लेती है, बीजेपी से डरवा के वोट लेती है, लेकिन जब वो सत्ता में पहुँचती है तो वो कुछ लोगों के लिए काम करती है, सबके लिए काम नहीं करती है। अभी इस वक्त मेरे साथ थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसी मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।